आज इस खबर से वो महारथी, वो अंधभक्त, वो दलील देने वाले लोग दूर रहें जो हर बार ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश बन चुका है, जहां तमाम माफिया, तमाम बदमाश, तमाम गुंडे जो हैं वो योगी जी के नाम से थर थर कांपते हैं और उनके पैर इस कदर कांपते हैं योगी जी का नाम सुनकर, योगी जी की पुलिस का नाम सुनकर, कि वो किसी भी अपराध को करने में 100 बार सोचते हैं। ये टेरर, ये खौफ, ये अंदाज जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ही कर सकते थे, वरना आज तक इतिहास में कोई ऐसा सीएम आया ही नहीं। माफ कीजिएगा, ये मेरे शब्द नहीं, ये तमाम उन अंधभक्त, तमाम उन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों की दलीलें हैं जो आए दिन ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। और असल में ये उत्तम प्रदेश नहीं बना, बल्कि ये अपराधियों का गढ़ बन चुका है, जहां अपराधियों के दिल में खौफ बैठा हुआ है सीएम योगी आदित्यनाथ का, खौफ बैठा हुआ है सीएम योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस का, जिसके नाम से ही तमाम बदमाश जो हैं मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। पर असल में कहानी बयां करती है ये कि कोई अपराधी ना तो थर थर कांप रहा है और ना ही किसी भी हत्या को अंजाम देने से 100 बार सोच रहा है, क्योंकि पूरी नेशनल मीडिया से, तमाम अल्टरनेटिव मीडिया से इस हत्याकांड को इस तरीके से गायब कर दिया गया है कि जैसे कोई घटना घटित ही नहीं हुई है, जहां एक दो नहीं बल्कि 6 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जहां परिवार में कंधा देने वाला कोई नहीं बचा, तमाम लोग इसके ऊपर नजरें गड़ा करके बैठे हुए हैं और सवाल पूछ रहे हैं प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ से कि असल में आप तो उत्तम प्रदेश होने का दावा करते थे, आप तो तमाम जगहों पर ये दलीलें देते थे कि साहब अपराधियों के, माफियाओं के दिल में इतना खौफ बैठ गया है कि अब माफियाओं के घर में रोने वाला कोई नहीं बचा। ये कैसे माफियाओं के दिलों में आपका खौफ बैठा है कि जिस भी परिवार की हत्या वो करना चाह रहे हैं दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं और उस परिवार में फिर कंधा देने वाला कोई नहीं बच रहा। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली एक बार फिर कटघरे में है कि इतना बड़ा कांड जो है वो देवरिया में कैसे अंजाम दे दिया गया, जहां 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जहां लोग सवाल करने लगे, यहां विपक्ष और गोदी मीडिया का फोकस सिर्फ संजय सिंह पर है, बीजेपी शासित राज्य में पल रहे जंगल राज उसे नजर नहीं आते। और सपोज कीजिए कि यही हत्याकांड पश्चिम बंगाल में हुआ होता, राजस्थान में हुआ होता, छत्तीसगढ़ होता या झारखंड होता या किसी भी उस जगह होता जहां भाजपा की सरकार नहीं है, तब किस तरीके से ये गोदी मीडिया, जिसे गिद्ध मीडिया कहा जाता है, वो कैसे उस सरकार को नोचना शुरू कर देता। पर यहां पूरी नेशनल मीडिया से ये खबर गायब कर दी गई, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं, जहाँ देवरिया हत्याकांड में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई है। मीडिया ये बता रहा है कि बड़ी कार्रवाई है, पर बड़ा फेलियर है योगी सरकार का, इसके ऊपर बात नहीं की जा रही, जहां SDM, CO, तहसीलदार सहित 15 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया देवरिया हत्याकांड के मामले में, जहां इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में लापरवाह राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर गाजगिरी, जिन पर सरकार का एक्शन हुआ, उनमें उप जिला अधिकारी के 1, क्षेत्राधिकारी 2, तहसीलदार,
3 लेखपाल, 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, 2 हल्का प्रभारी और 1 थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। इस हत्याकांड की समीक्षा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पर सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जितने कसूरवार ये अधिकारी हैं उससे ज़्यादा कसूरवार तो ये हुकूमत है, जिसने दावा किया कि अपराधियों के दिलों में खौफ बैठा हुआ है, कि अपराधी थर थर कांप रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के नाम से, जहां एक के बाद एक परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई इतनी सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के राज में, जिस पर लगातार सवाल हो रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार की रिपोर्ट में फतेहपुर गांव में हुए हत्याकांड में कर्मचारियों की अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। सत्य प्रकाश दुबे ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे के संबंध में शिकायत निवारण प्रणाली के तहत कई शिकायतें की थी। ये सभी शिकायतें पुलिस विभाग और राजस्व विभाग को भेजी गई थी, लेकिन दोनों विभागों के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी परिणति इस हत्याकांड के रूप में सामने आई। जहां पहले से ढिलाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही थी और खुद योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस हत्यारों के साथ में खड़ी हुई थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई, और जैसे ही ये खबर सामने आई तो रिपोर्ट के बाद गाज गिराई गई। सरकार की रिपोर्ट सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। फलस्वरूप उप जिला अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी, 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल, हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, 2 हल्का प्रभारी और थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। ये वो नाम भी सामने आए जिनको सस्पेंड किया गया। इस मामले में लापरवाही बरतने पर वर्तमान उपजिला अधिकारी योगेश कुमार गौड़ और क्षेत्र अधिकारी रुद्रपुर जिला जीत को तत्काल सस्पेंड करने का आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। पूर्व में उपजिला अधिकारी रहे रामविलास, ओम प्रकाश, ध्रुव शुक्ला और संजीव कुमार उपाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के बाद ये आदेश दिए गए। सेवानिवृत्त तहसीलदार वंशराज राम और सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक रामानंद पाल के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। वहीं अभय राज वर्तमान में निलंबित तहसीलदार को भी अतिरिक्त आरोप पत्र जारी करने के आदेश जो हैं वो जारी किए गए। जहां 1-2 नहीं बल्कि 15 लोगों को सस्पेंड किया गया, जिसमें SDM, CO यानी कि पूरे के पूरे थाने को ही सस्पेंड कर डाला है देवरिया हत्याकांड में। इसके अतिरिक्त राम आश्रय तत्कालीन तहसीलदार, वर्तमान तहसीलदार जिला बलरामपुर को भी सस्पेंड करने के साथ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए। केशव कुमार तहसीलदार रुद्रपुर को भी निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। इसी तरह विशाल नाथ यादव और राजनंदिनी यादव अखिलेश को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए। हेड कांस्टेबल राजेंद्र प्रताप सिंह और कांस्टेबल अवनीश चौहान, हल्का प्रभारी उप निरीक्षक प्रकाश दुबे और प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई जो है वो की जाएगी, जिसकी तस्वीर जो है सामने आ रही है और देखते ही देखते पूरे के पूरे थाने को ही सस्पेंड करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा। पर ये सस्पेंशन से नहीं, जो दावे जो वादे आप दूसरे राज्यों में करके आते हैं उन दावों का क्या? आपने कहा था कि जो अपराधी हैं वो थर थर खाप रहे हैं, यहाँ अपराधी एक से बढ़कर एक कांड को अंजाम दे रहे हैं, ना ही आपका खौफ उनके दिलों में बैठ रहा है और ना ही आपकी पुलिस का, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। एक एक कर इस हत्याकांड से जुड़ी हर एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ बारीक से बारीक साझा करता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।